हाय, मेरा नाम रुपेश कुमार सिंह है और मैं जीएस का फैकल्टी हूँ बानिक से। और आज हम लोग कुछ एशियन कॉन्टिनेंट के इम्पोर्टेंट रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं, या फिर आप लोग बोल सकते हो एशिया कॉन्टिनेंट के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अगर देखते हैं तो जो आपका एशियन कॉन्टिनेंट है, आपको पता होना चाहिए ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। अगर आप लोग देखते हो आपके दुनिया में आपको 7 कॉन्टिनेंट देखने को मिलेंगे। एक होता है आपका एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इन 7 कॉन्टिनेंट में से जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट होता है वो है आपका कौन सा? एशिया। अगर देखा जाए तो जो एशिया कॉन्टिनेंट है, उस एशिया कॉन्टिनेंट का जो सबसे बड़ा कंट्री है, अगर हम लोग एरिया वाइज देखें या फिर आप लोग बोल सकते हो पॉपुलेशन वाइज भी, तो जो सबसे बड़ा कंट्री है वो कौन है? आपका चाइना। ठीक है, याद रखिएगा एशियन कॉन्टिनेंट का जो सबसे बड़ा कंट्री है वो है कौन? आपका चाइना। और आप सभी को पता होगा जो एशियन कॉन्टिनेंट है उसका जो हाइएस्ट पीक है वो है कौन? आपका माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई या फिर आप लोग बोल सकते हो जिसका हाइट 8846 मीटर है। जी हाँ, आपने सही सुना, 8848.86 मीटर। अच्छा, यहाँ पे मैं 0.86 इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली आप सभी को पता होगा कि नेपाल और चाइना ने क्या किया था, आपका माउंट एवरेस्ट का जो हाइट है उसको फिर से स्टडी किया था। और इसके बाद ये डाटा दिया गया कि जो माउंट एवरेस्ट है उसका जो प्रेजेंट हाइट है वो है, याद रखिएगा, 8848.86 मीटर। अगर बात की जाए एशिया कॉन्टिनेंट के और कुछ फैक्टर में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो एशियन कॉन्टिनेंट है उसका जो सबसे बड़ा नदी है वो है आपका, याद रखिएगा, यांगजेट रिवर। ठीक है, जो सबसे बड़ी नदी है वो है कौन? आपकी यांगजेट रिवर, जिसकी टोटल लंबाई 6300 किलोमीटर है। और ये याद रखिएगा दुनिया का तीसरा सबसे लंबा नदी है, दुनिया का तीसरा सबसे लंबा नदी है आफ्टर योर नील एंड अमेजन। नील और अमेजन के बाद अगर देखा जाए तो तीसरी जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन है? आपकी एशिया की यांगजेट रिवर। अगर और कुछ बात किया जाए तो एशिया जो कॉन्टिनेंट है वो टोटल आपका 48 कंट्री को लेकर बना हुआ है। और दुनिया का अगर आप लोग पॉपुलेशन को 100% लेते हो, यानी मैं कैलकुलेट करता हूं कि अगर दुनिया में 100% अगर पॉपुलेशन को लिया जाता है तो उसका मैक्सिमम अमाउंट 60% आपको देखने को मिलेगा। कहां पे? आपको अपने के एशियन कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगा। आप सभी को पता होगा कि 2 सबसे बड़ी जो कंट्री है पॉपुलेशन वाइज, चाइना और इंडिया, वो आपकी कहां से बिलोंग करती हैं? वो आपके एशियन कॉन्टिनेंट से ही बिलोंग करती हैं। तो याद रखिएगा जो एशियन कॉन्टिनेंट है वो आपका वर्ल्ड का 60% टोटल पॉपुलेशन को कैरी करता है। अगर और कुछ बात किया जाए तो आपको सभी ने नाम सुना होगा कजाकिस्तान। ठीक है, एक कंट्री है कजाकिस्तान, जो कि याद रखिएगा एशियन कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठता होगा कि लैंडलॉक कंट्री क्या होता है? तो देखिए, लैंडलॉक का मतलब वो कंट्री जो अपना बॉर्डर किसी भी समुद्र या फिर किसी भी सी के साथ, आप लोग बोल सकते हो, नहीं शेयर करती, उस प्रकार के कंट्री को हम लोग बोलते हैं क्या? आपका लैंडलॉक कंट्री। तो याद रखिएगा आपका जो एशियन कॉन्टिनेंट है उसका जो सबसे बड़ी जो लैंडलॉक कंट्री है उसका नाम है आपका कजाकिस्तान। अगर और कुछ बात किया जाए तो आपने नाम सुना होगा एक लाइन का, एक लेटिट्यूड का, जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जी हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आपकी टोटल अगर देखा जाए वर्ल्ड में तो 17 कंट्रियों से पास करती है, 17 कंट्री से पास करती है। उसमें से अगर आप लोग देखते हो तो एशिया की वो 8 कंट्री से पास करती है। एशिया कितने कंट्री से पास करती है? आपकी 8 कंट्री से पास करती है। और उस 8 कंट्री का अगर मैं नाम बोलता हूं तो उनका नाम याद रखिएगा, म्यांमार, ओमान, बांग्लादेश, इंडिया, सऊदी अरेबिया, चाइना, यूएई और ताइवान। और एक बार बता दे रहा हूं आपको मैं, म्यांमार, ओमान, बांग्लादेश, इंडिया, सऊदी अरेबिया, चाइना, यूएई और ताइवान। अच्छा, आप लोग इसको एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, ये ट्रिक होता है, याद रखिएगा, मो बिस्किट। याद रखिएगा मो बिस्किट, यानी देखिए एम फॉर म्यांमार, ओ फॉर ओमान, बी फॉर बांग्लादेश, आई फॉर इंडिया, एस फॉर सऊदी अरेबिया, सी फॉर चाइना, यू फॉर यूएई, टी फॉर ताइवान। उड़ीसा गवर्नमेंट का सारा प्रोजेक्ट मो से स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग इसको याद रखते हैं किससे? आपका मो
बिस्किट से ट्रिक से आपको याद रख सकते हैं कि एशियन कॉन्टिनेंट से जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सा कंट्री से पास करता है। अगर और कुछ बात किया जाए तो जैसे आपको ऑलरेडी बताया जो एशियन कॉन्टिनेंट है वो आपका टोटल 48 कंट्री को लेकर बना हुआ है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में, आपका जो एशियन कॉन्टिनेंट है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्टिनेंट है उसके बारे में आपको बताया। आने वाले क्लास में हम कुछ इसी प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड एस्पेक्ट्स जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए, बैंकिंग हो सके, एसएससी हो गया आपका, रेलवे हो गया, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम आप लोग दे रहे हैं या फिर किसी भी प्रकार का एग्जाम में हम लोग आपको हेल्प करेंगे बाय दिस थिंग्स। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।